ये है एक ऐसा लगेज जिसके ऊपर बैठकर आप कहीं भी जा सकते हैं। दरअसल ये एक छोटा स्कूटर भी बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपके एक इशारे पर ये आपको फॉलो भी करने लगता है। ये एक तरह का स्मार्ट लगेज है जिसे अरिस्टा वॉल्ट नाम की एक कंपनी ने बनाया है। इस कंपनी के दो फाउंडर्स ने इस लगेज के बारे में और क्या क्या बताया, चलिए अब आपको वो भी सुनवाते और दिखाते हैं। मेरा नाम अतुल गुप्ता है और मैं अरिस्टा वॉल्ट का को फाउंडर हूँ। मेरा नाम पूर्वी रॉय है, मैं CEO एंड फाउंडर हूँ अरिस्टा वॉल्ट की। अरिस्टा वॉल्ट एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि इनोवेट किया गया था 2017 में आइडिया वाइज, और 2018 में हमने इस कंपनी को रजिस्टर किया था। ये कंपनी स्मार्ट प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि लोगों के जो आम जीवन का जो प्रॉब्लम्स हैं, लॉस, थेफ्ट और मिसप्लेस का, उसको हम सॉल्व करते हैं। रिसेंटली आप जो है वो शार्क टैंक इंडिया सीजन 3 पर गए थे और वहाँ पे एक लगेज जो था आपका काफी ट्रेंड में आया, उसे बस वो फेमस भी बहुत ज्यादा होगा, फॉलो मी लगेज, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है लगेज, किस तरीके से ये डिजाइन है। तो फॉलो मी लगेज के बारे में हमने जब रिसर्च किया तो ये समझ में आया कि लगेज का भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है जो बहुत सालों से सेम है, तो लोगों को ड्रैग ना करना पड़े, और आज तक आप लगेज कैरी करते थे, लगेज आपको कैरी करे। इस सोच के साथ में हमने इसमें सारे फुल ऑन फीचर्स डाल के टॉप एंड वर्जन बनाया है, जो आपको फॉलो करता है, जो आपको कैरी करता है, और जिसको आप हिल मोड में भी बिना किसी एफर्ट्स के ले जा सकते हैं, जो ट्रैकेबल है। बहुत सारे फीचर्स हैं इस लगेज में। इसको अगर मैं डिटेल में बताऊं तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड से चलता है, और इसमें जो व्यक्ति आगे जाता है उसके पास उसका रिमोट होता है जो रिसीवर के थ्रू काम करता है और उसको फॉलो करता है। ये फॉलो करने की इसकी स्पीड लगभग 5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से होती है, जो आपकी स्पीड है उसके हिसाब से। और सबसे अच्छी ये बात है, अगर आप रुकते हैं तो ये भी रुक जाता है। इस तरीके से आप लगभग 10 किलोमीटर तक इसको आराम से फॉलो मी की तरफ यूज कर सकते हो एक चार्ज पे। इसमें 3000 mAh की पावर बैंक है। बेसिकली इसको बनाने का उद्देश्य ये था कि कई एयरपोर्ट्स, जैसे कि मान लीजिए दिल्ली का इंदिरा गांधी नेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यहाँ पे सिक्योरिटी गेट से एयरक्राफ्ट तक की काफी दूरी है, उस दूरी को हम आसानी से इससे कवर कर सकते हैं। इसमें ये 7 किलोमीटर तक राइड ऑन मोड में 120 किलो केजी तक के किसी भी व्यक्ति को आराम से बैठा के ले जा सकता है, और इसकी स्पीड 7 किलोमीटर से 12 किलोमीटर पर आवर तक 3 स्पीड के इसके मोड हैं। क्या इस वक्त प्राइस है इसका, किस प्राइस में आप दे रहे हैं? ये इसका, क्योंकि अब हमने जो R&D किया उसमें काफी कॉस्ट लगी और ये काफी लेटेस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी है, इसलिए इसकी कीमत लगभग 50,000 से 60,000 के बीच में है। टेक्नोलॉजी आएगी तो टेक्नोलॉजी में एक कीमत के साथ आएगी, नई टेक्नोलॉजी कीमत के साथ आती है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी पुरानी होती आती है, मीन्स आपका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, आप ज़्यादा बेचने लगते हो, तो कॉस्ट धीरे धीरे कम होती है। इसी बात पे हमने शार्क टैंक में भी बताया था कि इस 50-60 हज़ार के लगेज की कीमत लगभग 25 से 30 हज़ार हो जाएगी जल्द ही, जैसे ही हम इसकी 10,000 यूनिट हम सेल कर देते हैं और मास लेवल पर प्रोडक्शन बनाते हैं। सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने हमें इन्वेस्ट किया था 2019 में, और ये पहला इन्वेस्टमेंट था जहाँ पे उनने हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट से लेके कंपोनेंट प्रोवाइडिंग से लेके सारा कुछ इंडिया में बनाने की फैसिलिटी, उनने हमें वर्ल्ड क्लास लैब की फैसिलिटी दी है। तो इस तरीके से कंपनी के कुछ शेयर्स भी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के पास है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कंपनी को बैक किया है। इससे प्रोडक्ट लाइसेंसिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट पेटेंटिंग से लेके सारा कुछ हमको मुहैया कराया गया है। कितना लगभग इस टेक्नोलॉजी पे या स्पेसिफिकली इस लगेज को बनाने में कितना रेवेन्यू आपने खर्चा है? अभी तक लगभग हमने 70 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है पर्टिकुलर इस सीरीज को बनाने में, और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट तो इस कंपनी में लगभग 4 करोड़ का हो चुका है। तो क्या टर्नओवर अभी हो रहा है इस कंपनी का? इस कंपनी का लगभग सालाना टर्नओवर इस वर्ष का लगभग 10 करोड़ होगा, और अगले 2 वर्षों में हम इसको 100 करोड़ रेवेन्यू वाली कंपनी बना लेंगे। शार्क टैंक में जो आपकी डील हुई अनुपम मित्तल जी के साथ, वो क्या डील थी? थोड़े से लोग समझ भी नहीं पाए क्योंकि टेक्निकल बहुत ज्यादा थी वो, थोड़ा सा ग्राम बता पाए। सो हमारी जो डील हुई है अनुपम मित्तल के साथ, वो हमारे 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे हुई है, जिसमें कि हमने 1% इक्विटी शेड की है, जिसमें कि 20 लाख रुपीज़ का इक्विटी डील है और 25 लाख रुपीज़ डेब्ट है। इसको मिला के 45 लाख रुपीज़ का हमारा डील क्लोज हुआ है अनुपम मित्तल। एक और डील की बात भी की थी जिसपे अनुपम मित्तल जी ने कहा कि मैं तभी इस डील में आ रहा हूँ अगर आपकी वो डील क्रैक हुई। वो कुछ दुबई के साथ आपकी डील थी, क्या डील है, कितने पैसों की हुई है, क्या डिमांड है, थोड़ा सा? सो उसमें ऐसा है कि हमारी एक दुबई की डील थी जिसको काफी कम बताया गया शार्क टैंक इंडिया में। हमारा 2.5 घंटे का शूट उन्होंने केवल 20 मिनट में बताया, तो उसमें कुछ चीज़ें स्किप हो गई। तो ये जो UAE की जो डील थी, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स को UAE में एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप के लिए
कुछ लोगों से हमारी बात चल रही थी, लेकिन उसके पहले ही हमारी उससे ज्यादा बेहतर डील यूएसए के साथ में हो गई, जो कि $20 मिलियन की हमारी डील हुई है, जिसमें यूएसए में एक्सक्लूसिव राइट्स हैं और हमारे सारे प्रोडक्ट्स अरिस्टा वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स यूएसए में सेल होंगे नेक्स्ट 1 ईयर में $20 मिलियन के। और दुबई में क्या डील हुई? और दुबई में लगभग 10 करोड़ रुपीज INR में हुई है डील 1 साल के लिए, वो उनको भी हमने एक्सक्लूसिव राइट्स दिए इस प्रोडक्ट्स के। अरिस्टा वर्ल्ड के स्मार्ट प्रोडक्ट्स आप ले सकते हैं अरिस्टा वर्ल्ड के वेबसाइट से, जो कि aristaworld.com। इसके अलावा हम Amazon पे अवेलेबल हैं, Myntra पे अवेलेबल हैं, अभी हम टाटा क्लिक पे भी अवेलेबल होने वाले हैं, फ्लिपकार्ट पे हम अवेलेबल हैं। अरिस्टा वर्ल्ड के प्रोडक्ट्स आप US में भी खरीद सकते हैं, UAE में भी खरीद सकते हैं, और हम बहुत जल्द एयरपोर्ट स्टोर्स में भी आ रहे हैं। तो हम बाहर आ गए हैं, इसका हम डेमो देखेंगे। तो ये है हमारा फॉलो मी स्मार्ट लगेज, इसमें ये रिमोट रखने की जगह है, जो कि रिमोट फॉलो मी के लिए आपको साथ लेके जाना पड़ता है। इसका भी शेप हमने इसके आधार पर बनाया हुआ है। ओके, तो इसी रिमोट से ये चलेगा? यस। इस रिमोट पे ये राइडिंग मोड है, ये फॉलो मी मोड है, ये हिल मोड है, और ये स्पीड कंट्रोलर है। ओके, इससे ये ऑन या ऑफ होता है। ओके, इसके अलावा इसमें ये बैटरी दी हुई है, यहाँ पर आप इस प्लेस से इस रिमूवेबल बैटरी है, इसको आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर चेक इन करना है, और इसको एक वन टैप पे आप इसको ऑन कर सकते हैं। कितनी हैवी बैटरी है ये? बैटरी 3000 mAh की है। इसकी कैपेसिटी मैं अभी आपको बाकी डेमो देते हुए बताऊंगा। तो इसमें रिमूवेबल बैटरी लगी हुई है 3000 mAh की है, इसमें एक क्लिक से ही ये पॉप अप कर जाती है। इस तरीके से आप ये बैटरी रिमूव करके इसको चेक इन में लगेज के तौर पर भी यूज कर सकते हैं इस लगेज को। और इसमें ये जो बैटरी है ये काफी बड़ी 3000 mAh की बैटरी है, और इसको चार्ज करने के लिए इसमें ये स्पेस दिया हुआ है, यहाँ अडाप्टर हम प्रोवाइड करते हैं, उस अडाप्टर के थ्रू आप इसको चार्जिंग पे लगा सकते हैं आसानी से, और 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाती है। okay. और ये इसके अलावा आपके मोबाइल्स को भी चार्ज कर सकती है, इसके लिए भी हम प्रोवाइड करते हैं टाइप सी iOS और टाइप AB कनेक्टर, जिससे आपके मोबाइल्स को भी इमरजेंसी में चार्ज कर सकते। अच्छा, जब हम एयरपोर्ट्स पे जाते हैं तो काफी ज्यादा पावर बैंक्स को निकाल देते हैं, सब कुछ निकाल देते हैं, तो उसके लिए क्या है, ये कैरी करने दिया जाएगा क्या, आपने ये वेरीफाई किया? यस, तो पावर बैंक्स तो हम केबिन में आसानी से कैरी कर सकते हैं, तो इसलिए ये बैटरी इतनी बड़ी ली हुई है कि अगर आपको इसको चेक इन करना है तो आप ये बैटरी रिमूव करके चेक इन कर सकते हैं, या तो अगर आपको कैरी करना है इसको साथ में तो बैटरी तो आराम से केबिन में जा सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। इसमें सबसे पहला मोड राइड ऑन मोड होता है। राइड ऑन मोड के लिए आपको ये फुटरेस्ट दिए हुए हैं, इस तरीके से ये फुटरेस्ट खुल जाते हैं, और आपके पास ये एक्सीलरेटर का काम करता है, इसको आप प्रेस करेंगे तो ये चलना चालू होता है। तो इसमें 120 किलो तक का कोई भी व्यक्ति आसानी से बैठ सकता है। इसकी स्पीड 7 किलोमीटर/आवर से 12 किलोमीटर/आवर तक भी की जा सकती है, और ये 7 किलोमीटर तक आसानी से बिना चार्ज किए एक बार चार्ज करके ही ये चल सकता है। इसके अलावा इसमें डायरेक्शन देने के लिए और ब्रेक लगाने के लिए आपके पैरों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इस तरीके से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हैसल फ्री जा सकते हैं। तो इसमें सेल्फ बैलेंसिंग या राइड मोड कहे जाने वाला तीसरा मोड है, जिसमें आपको उस मोड में लाके ये अपने आप को सेल्फ बैलेंस भी कर सकता है, और इसके अलावा अगर आप एयरक्राफ्ट पे चढ़ रहे हो तो चढ़ाई पे भी आप एफर्टलेसली कितने भी केजी का हो इसको इजीली ले जाके चढ़ सकते हैं, क्योंकि इसके मोटर्स ऑन हो जाते हैं और उसी मोटर्स के जरिए ये इसमें पावर मिलता है, और इस तरीके से हम आसानी से चढ़ सकते हैं। ये मेनली ये मोड उस सुविधा के लिए रखा गया है कि आपके भारी लगेज को आसानी से। फॉलो मी लगेज में आप फॉलो मी मोड ऑन करते हैं। फॉलो मी मोड सेकंड वाला फॉलो मी जो पैड दिख रहा है ये फॉलो मी मोड है। ओके, ये फॉलो मी मोड ऑन करते हैं और बस आपको चलते जाना है और ये आपको फॉलो करता रहेगा। और इसमें अगर आप मुड़ेंगे तो ये भी आपके साथ पीछे पीछे मुड़ेगा, तो इसमें आपको एकदम हैसल फ्री एक्सपीरियंस है। इसमें कोई ज़रूरत नहीं है आपको इसकी तरफ ध्यान भी देने की, ये आपके आपको फॉलो करेगा और आप आसानी से अपने एक लगेज को दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। ये थी दिल्ली से गौहर फारूक की रिपोर्ट न्यूज़ 18 के लिए।